वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आज हम थर्ड लैंग्वेज हिंदी का SSLC का फाइनल क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। नंबर एक, शिक्षित शब्द का विलोम रूप है ए शिक्षा, बी अशिक्षित, सी दीक्षा, डी शिक्षण। इसका सही उत्तर है बी अशिक्षित। नंबर दो, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है ए बेटी, बी पोती, सी सूत, डी पुत्र। इसका सही उत्तर है ए बेटी। नंबर तीन, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है ए डिब्बा, बी दायरा, सी कमरा, डी किताबें। इसका सही उत्तर है डी किताबें। नंबर चार, चलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है ए चल, बी चलनशील, सी चलाना, डी चिल्लाना। इसका सही उत्तर है सी चलाना। नंबर पाँच, पर्वतावली शब्द में संधि है ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यन। इसका सही उत्तर है ए दीर्घ। नंबर छः, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है ए माता पिता, बी चौमासा, सी भरपेट, डी राजवंश। इसका सही उत्तर है डी राजवंश। नंबर सात, बड़ा अच्छा सवाल है, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है ए पूर्ण विराम, बी विस्मयादिबोधक, सी प्रश्नवाचक, डी अल्पविराम। इसका सही उत्तर है बी विस्मयादिबोधक। नंबर आठ, अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम डैश डैश हुआ, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा ए के, बी से, सी का, डी में। इसका सही उत्तर है डी में, अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ। तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। आगे देखिए अनुरूपता शब्द। प्रश्न नंबर नौ, गिल्लू की प्रिय लता सोनजू ही, गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू, बसंत अहिटिला, पंडित राजकिशोर किशनगंज। नंबर ग्यारह, भोला भाला बालकृष्ण, चुगलखोर बलराम। नंबर 12, कावेरी नदी जोग जलप्रपात। ये थे अनुरूपता शब्द। आगे देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 13, लेखक प्रेमचंद को दुकान में क्या नजर आया। इसका सही उत्तर है लेखक को गुलाबी रंगदार सेब नजर आए। नंबर 14, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था। इसका सही उत्तर है गिलहरी गर्मी के दिनों में सुराही पर लेट जाता था। नंबर 15, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है। इसका सही उत्तर है बहाने बनाने का प्रमुख कारण है आलस। नंबर 16, भारत के खेत कैसे हैं। इसका सही उत्तर है भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। ये थे एक वाक्य के उत्तर। आगे देखिए दो तीन वाक्यों के उत्तर। ई गवर्नेंस क्या है। इसका सही उत्तर है ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है, इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। नंबर 18, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा। इसका सही उत्तर है दुकानदार ने लेखक से कहा बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। नंबर 19, बसंत राजकिशोर से दो पैसे लेने से क्यों इनकार करता है। इसका सही उत्तर है बसंत राजकिशोर से दो पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि बसंत स्वाभिमानी बालक था, वो अपनी खुद की कमाई से जीना चाहता था। जब पंडित राजकिशोर बसंत को पैसे देने लगते हैं तो उन पैसों को भीख समझकर लेने से इनकार करता है। प्रश्न नंबर 20, बिछेंद्री का बचपन कैसे बीता। इसका सही उत्तर है बिछेंद्री को बचपन में रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बिछेंद्री ने सिलाई का काम सीख लिया था तो अपने पढ़ाई का खर्च सिलाई करके जुटाती थी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में MA तथा BEd तक शिक्षा प्राप्त की। आगे देखिए प्रश्न नंबर 21, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है। इसका सही उत्तर है मनुष्य आलसी न बनकर बहानेबाजी छोड़कर समय का सही तरीके से उपयोग करेगा और काम को सही समय पर करेगा तो उसे सफलता और सुख की प्राप्ति संभव है। प्रश्न नंबर 22, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है। इसका सही उत्तर है यशोदा गोदन की कसम खाकर कहती है मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो, ऐसे कृष्ण के क्रोध को शांत करती है। प्रश्न नंबर 23, शनि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है कैसे। उत्तर, प्रकृति ने शनि के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों के या कंकनों ने इस ग्रह को सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है, इसलिए शनि सौर मंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। अथवा शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है कैसे। इसका सही उत्तर है शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है, पृथ्वी का मात्र सवा हिस्सा। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। प्रश्न नंबर 24, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है। इसका सही उत्तर है शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका ऐसे समझाया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सच मत बोलो। अथवा सत्य के स्वरूप के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर है सत्य बहुत भोला भाला और बहुत ही सीधा साधा होता है,
जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा उसे नमक मिर्च लगाए बोल दिया वही सत्य होता है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब, ज्ञानी की प्रतिलिपि और आत्मा की वाणी है। ये थे दो तीन वाक्यों के प्रश्न उत्तर। आगे देखिए तीन चार वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 25, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। इसका सही उत्तर है, गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उड़ती, और लेखिका को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में और कभी सोनजुही की पत्तियों में छिप जाता था। और दिन भर गिल्लू बाहर जाता, गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। और लेखिका जब अस्पताल से वापस आ गई तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को हौले हौले लाता रहता था। प्रश्न नंबर 26, नमाज के बारे में जैनुलाब्दीन के विचार स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर है, जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से अलग दुनिया का हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, उम्र, जाति या धर्मपंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। प्रश्न नंबर 27, सोशल नेटवर्किंग के क्रांतिकारी खोज है कैसे। इसका सही उत्तर है, सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इनसे दुनिया के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खानपान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह एक क्रांतिकारी खोज है। प्रश्न नंबर 28, लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। इसका सही उत्तर है, दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए लेखक धूप का चश्मा खोदने लगे तो नहीं मिला। उसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था। लेखक बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में जा पहुँचे। बैठक में 15 मिनट की चाय छुट्टी होने पर लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। लेखक को याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा लगाए नहीं थे। लेखक ने देखा जो चश्मा लगाए थे वह उन्हीं का था। वह कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था। लेखक ने कहा रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है, मैंने कमरे के टेबल पर रख दिया था। वो बोले कोई उठा ले गया होगा। लेखक उन्हें देख रहे थे और वो इनका चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। तो यहाँ पर देखिए आगे प्रश्न नंबर 29, बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की। इसका सही उत्तर है, सुबह 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके 5:30 बजे अपने तंबू से निकली। उनके दल के नेता अंग दोर्जी के साथ बड़े उत्साह के साथ हाथ में फौड़ा, नायलॉन की रस्सी, 2.5 लीटर ऑक्सीजन को लेकर पहाड़ पर चढ़ते हुए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ी और सफलता प्राप्त की। आगे देखिए प्रश्न नंबर 30, मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कवि भगवती चरण वर्मा जी ने भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन ऐसे किया है कि भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, जंगल और बगीचे फल फूलों से भरे हुए हैं, भारत माँ के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है और उस धन को माँ मुक्त हस्त से बांट रही है। प्रश्न नंबर 31, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए। इसका सही उत्तर है, मनुष्य ने आज प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त की है, जैसे जल, विद्युत और भाप, और मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है, और मनुष्य आज एक समान नदी, पहाड़ और समंदर को लांघ सकता है, और मनुष्य का यान आज गगन में भी जा रहा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्द में लिखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए जब लग घट में प्राण। इसका सही उत्तर है, तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होती है और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक मनुष्य को अपना व्यर्थ अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। आगे देखिए गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ अंग्रेजी में कीजिए। कर्नाटक का प्राकृतिक सौंदर्य नयन मनोहर है, पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है, दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां हैं। इसका सही उत्तर है, द नेचर ब्यूटी ऑफ कर्नाटका इज ब्रीथ टेकिंग, टू द वेस्ट इज द ह्यूज अरेबियन सी, टू द साउथ आर द नीलगिरी हिल्स। कन्नड़ में देखिए कर्नाटक द प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक वागिदे, पश्चिम के विशाल वाद अरबी समुद्र विदे, दक्षिण दल्ली नीलगिरी पर्वत गढ़ीवे। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न नंबर 34, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है। इसका सही उत्तर है, कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवन्ना क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी अल्लम प्रभु जैसे सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रोन्ना, पुन्ना, कुमार व्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। अथवा कर्नाटक की शिल्पकला के बारे में परिचय दीजिए। इसका सही उत्तर है, कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोड़े, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडू, सोमनाथपुर के मंदिरों में जो पत्थर की मूर्तियां हैं वे सजीव लगती हैं। श्रवण बेलगोड़ा में 57 फुट ऊंची गुमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। मैसूरू का राजमहल कर्नाटक के वैभव का प्रतीक है। प्राचीन सेंट फिलोमेना चर्च, जगनमोहन राजमहल, आर्ट गैलरी का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित कविताओं से पूर्ण कीजिए।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो निंचयन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आगे देखिए प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत को अपनी जिस परंपरा पर गर्व है उसमें सबसे प्राचीन भाषाओं में एक तमिल का बहुत बड़ा योगदान है। 2000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु के किसी नगर में एक जुलाहा रहता था। उसका स्वभाव बड़ा शांत और निश्चल था। वह किसी भी कारण से कभी क्रोधित नहीं होता था। लोग उसके पास कोई समस्या लेकर जाते तो वो कोई अपना आचरण से उसका समाधान कर देता था। उसके शांत स्वभाव के कारण लोग उसे संत जुलाहा कहा करते थे। तो यह था गद्यांश। आगे देखिए प्रश्न अ, जुलाहे का स्वभाव कैसा था। इसका सही उत्तर है जुलाहे का स्वभाव बड़ा शांत और निश्चल था। प्रश्न नंबर आ, जुलाहे के पास लोग क्यों जाते थे। इसका सही उत्तर है लोग जुलाहे के पास कोई समस्या लेकर जाते थे तो कोई अपने आचरण से उनका समाधान कर देता था। प्रश्न नंबर ई, उसे संत जुलाहा क्यों कहा जाता था। इसका सही उत्तर है उसके शांत स्वभाव के कारण उसे संत जुलाहा कहा करते थे। आगे देखिए ई, जुलाहा कहाँ रहता था। इसका सही उत्तर है जुलाहा तमिलनाडु के किसी नगर में रहता था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 37। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए। वन महोत्सव, ख स्वच्छ भारत अभियान, ग इंटरनेट का योगदान। तो यहाँ पर हमने इंटरनेट का योगदान, इस पर यहाँ पर निबंध बनाया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रस्तावना। इंटरनेट शब्द को आज सभी लोग जानते हैं, बच्चे हों या बड़े, सभी लोग इसका प्रयोग करना अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो आज इंटरनेट हम सभी के लिए जीने की वजह बन चुका है। इंटरनेट ने आज हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया है, जिसकी वजह से हमें हर काम बहुत आसान लगता है। 100 साल पहले किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि इंसान खुद ही किसी ऐसी चीज की रचना कर देगा जिसने दुनिया की तमाम सारी जानकारी एक ही स्थान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और दुनिया के सभी लगभग सभी देश आपस में जुड़े होंगे। आगे देखिए इंटरनेट का अर्थ। आज का युग इंटरनेट युग है। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतरजाल यानी नेटवर्क है, जिससे विश्व का विस्तार एक छोटे से गांव की तरह हो गया है। आज मनुष्य के लिए इंटरनेट की बहुत आवश्यकता है। आगे देखिए इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना अधिक खर्च किए कोई भी विचार, चित्र, वीडियो चित्र आदि दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। इस प्रकार यह आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं, इससे समय की बचत होती है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम जहां चाहें वहां रकम भेज सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर अन्य देशों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर सकते हैं। इंटरनेट का योगदान, इस प्रकार एक इंटरनेट वरदान है। चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि इन सभी क्षेत्रों में इसका कमाल देखा जा सकता है। देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट की सफलता की वजह से इसकी विशेषता और उपयोगिता है। इसकी सुगमता और उपयोगिता की वजह से यह हर जगह इस्तेमाल होता जा रहा है, जैसे कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज, बैंक, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्रों पर, दुकान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, मॉल इत्यादि। हाँ, यह भी सही है कि इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी फंसती जा रही है। समय का दुरुपयोग हो रहा है। बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अतः लोगों को चाहिए कि इंटरनेट से सचेत रहें। गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के लिए स्पैमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक अवांछनीय ईमेल होता है जिसके माध्यम से गोपनीय दस्तावेजों की चोरी हो जाती है। आगे देखिए उपसंहार। इंटरनेट आज की दुनिया में हर किसी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट जानकारियों का समूह है जो दुनिया के सभी कंप्यूटरों से जानकारी प्राप्त करके हमें सर्च इंजन और अन्य वेबसाइटों की सहायता से सूचनाएं प्रदान करता है। आजकल सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, बैंक, छोटे से लेकर बड़े व्यापार में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट के कारण दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को इससे लाभ पहुँचा है, लेकिन आज भी हमारे देश के कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँच पाया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट तक पहुंचना चाहिए। इंटरनेट का उपयोग मात्र मनोरंजन के लिए करना सही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से हम कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और विश्व को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। तो ये था निबंध। आगे देखिए निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 38। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं। परीक्षा तैयारी के बारे में अपनी माताजी को पत्र लिखिए, अथवा कोई सकारण देते हुए अपने मुख्य अध्यापक के नाम पत्र लिखिए। तो हमने यहाँ पर सकारण देते हुए मुख्य अध्यापक के नाम पत्र लिखा है। तो यहाँ पर देखिए दिनांक हमने आज की डाली है 8/4/2022। तो सबसे पहले प्रेषक, अब क दसवीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल बेंगलुरु। तो प्रेषक में जो होता है, जो पत्र लिखने वाला होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। आगे देखिए सेवा में, प्रधान अध्यापक जी सरकारी हाई स्कूल बेंगलुरु।
तो इस सेवा में जो है पत्र पाने वाला, यहाँ पर पत्र जो पाने वाला है मुख्य अध्यापक या प्रधान अध्यापक जो है उनके बारे में जानकारी है। विषय चार दिन की छुट्टी हेतु पत्र, तो हमने यहाँ पर चार दिन की छुट्टी मांगने के लिए पत्र लिखा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले महोदय, उपर्युक्त विषय के अनुसार से विनय निवेदन है कि कल रात से मुझे तेजी से बुखार आ रहा है, पाठशाला आना मुश्किल है, इसलिए कल 9/4/2022 से लेकर 12/4/2022 तक कुल मिलाकर चार दिन की छुट्टी देने की कृपा कीजिए, बुखार कम होते ही पाठशाला आ जाऊंगा। तो ये था पत्र हमने किस लिए लिखा है इसके बारे में। आगे देखिए, धन्यवाद सहित आपके आज्ञाकारी छात्र अबक। तो ये था आपका SSLC का फाइनल एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्रिका या क्वेश्चन पेपर जिसे हमने सॉल्व किया है। आप ऐसे ही हमारे आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।